जय जिनेन्द्र, आज हम बनाएंगे मगध। उसके लिए 8 कटोरी मैदा लिया है। अब उसमें डालेंगे घी, मेल्टेड घी है। इसमें 2 कटोरी घी डालेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। घी मेल्टेड गरम घी ही लेना है हमें। अब देखिए इतना मुट्ठी बन जाए, इतना मोवन डालेंगे हम। अब उसमें डालेंगे 3/4 कप दूध। अच्छे से मिक्स करेंगे। थ्री फोर्थ कप दूध लिया है हमने पूरा। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब इसको दबा के ढक्कन दे के 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट रख देंगे। अब देखिए रेस्ट हो गया है। अब इसको दोनों हथेली में ऐसे लेके मसलना है और इसकी मोगरी पाड़ेंगे। अब ये गेहूं की चारनी ली है हमने और इसमें डालेंगे, इसको छानना है। ऐसे ही हम पूरा मगध छान लेंगे। अब इसमें कढ़ाई में घी नहीं डालना है, बिना घी स्लो फ्लेम पे इसको सेकेंगे। एकदम धीरे से सेकना है, मोगरी टूटनी नहीं चाहिए। ऐसे हल्के हाथ से ही सेकेंगे। अब देखिए आधा सेकने के बाद मैंने कढ़ाई चेंज कर दी है। इसमें आधी कटोरी घी डाल के वापिस इसको सुनहरा कलर हो तब तक इसको सेकेंगे। अब देखिए इतना अच्छा सा कलर आया है। थोड़ी देर और सेकेंगे इसको 2 मिनट। अब देखिए अच्छे से सिक गया है। अब देखिए मोगरी भी अच्छी सॉफ्ट है, अब सिक गया है। अब इसमें डालेंगे आधी कटोरी घी। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। देखिए इतना अच्छा सा कलर है। अब इसमें डालेंगे पीसी हुई शक्कर, 2 कटोरी पीसी हुई शक्कर डालेंगे। ये मगध ठंडा होने के बाद पीसी हुई शक्कर डालेंगे। अगर गरम गरम में शक्कर डालेंगे तो वो पानी छूट जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये लीजिए तैयार है मगध। इसको बादाम और पिस्ता की कतरन से गार्निश किया है।